प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अनुपी स्टडी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग लेसन नंबर 6 के सारे न्यूमेरिकल्स को खत्म कर लेंगे। ठीक है, सिर्फ बचे हैं 14 न्यूमेरिकल्स जिसको आज हम लोग खत्म कर देंगे। कहाँ से हम लोगों ने पिछले वीडियो में 49 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया है, जिसमें से एक क्वेश्चन छूट गया था हम लोग का बाई मिस्टेक। जो 35 नंबर क्वेश्चन था वो छूट गया था, मैंने सोचा कि पिछली वीडियो में उसके मैंने बना दिया है, लेकिन 34 क्वेश्चन तक ही बना था और मैंने पिछले वीडियो में 36 नंबर क्वेश्चन से बनाना शुरू कर दिया, तो आपका 35 नंबर क्वेश्चन छूट गया था और 49 नंबर क्वेश्चन तक बना था, और जो बचा है 50 से लेकर 58 तक, उसको आज इस वीडियो में क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन से सीरियल वाइज सॉल्व करते हुए 58 क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है 35 वाला, कह रहा है कि एक गेंद स्वतंत्र रूप से h ऊंचाई से पृथ्वी की ओर गिर रही है। ठीक है, गिरते समय किसी बिंदु P पर इसका वेग इसके अधिकतम वेग का 1/3 है, तो बिंदु P पर उस बिंदु की स्थितिज ऊर्जा व गतिज ऊर्जा के का अनुपात क्या होगा। ठीक है, गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा का अनुपात पूछा है। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है 35 नंबर क्वेश्चन में, कह रहा है कि कोई पिंड है जो h ऊंचाई से, ठीक है, मान लीजिए पृथ्वी का तल है, इसे h ऊंचाई पे, ये ऊंचाई क्या है h है, यहां से इसको स्वतंत्रता पूर्वक पृथ्वी पे गिराया जा रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि इसको गिराते समय किसी बिंदु P पर, कोई बिंदु P मान लेते हैं, P पर उसका जो वेग है अधिकतम वेग के कितना है, 1/3 है, यानी बिंदु P पर जो उसका वेग है Vp, बिंदु P पे उसका वेग दिखा देते हैं Vp, वो क्या है, उसके मैक्सिमम वेग के क्या है, 1/3 गुना है। ठीक है, तो कह रहा है कि इस बिंदु पे स्थितिज ऊर्जा व गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन में क्या बोला है, पहले गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा, यानी के संबंधे u का अनुपात क्या है, इसे हम लोगों को क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि उसका अधिकतम वेग क्या होगा। तो जब कोई भी पिंड ऊपर से किसी, मतलब पृथ्वी तल से ऊपर, पृथ्वी तल के ऊपर से उधर ऊपर से स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा जाता है, तो जब वो ग्राउंड को टच करता है उस समय उसका अधिकतम वेग होता है, यहाँ पे सबसे अधिकतम वेग होता है। ठीक है, जब वो टकराता है उस समय उसका जो वेग होता है सबसे अधिकतम वेग होता है, तो क्या होगा यहाँ का वेग, भी मैक्स निकाल दे तो क्या हो जाएगा, निकाल देंगे किस वाले फॉर्मूले से, तो न्यूटन के थर्ड इक्वेशन से। ठीक है, कौन से इक्वेशन से, थर्ड इक्वेशन से, क्या होता है वी स्क्वायर बराबर होता है यू स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, देखिए यहाँ पे विरामावस्था में है, तो यहाँ पे u क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि यहाँ से वस्तु को पकड़े हैं और यहाँ से स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो u जीरो होगा, तो यहाँ से वी मैक्स निकालेंगे, इस कंडीशन यहाँ पे जो उसका वेग होगा सबसे अधिकतम होगा, तो उसी को निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा वी मैक्स बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट लग जाएगा, और इसका मान तो जीरो, टोटल जीरो हो जाएगा, तो करनी में हो जाएगा कितना 2gh, यानी वी मैक्स का मान कितना आएगा, अंडर रूट 2gh आएगा। ठीक है, तो हम लोग को बिंदु P पे ज्ञात करना है, तो बिंदु P पे कितना वेग होगा, तो भाई बिंदु P पे बताया है क्वेश्चन के अनुसार कि जो बिंदु P पे उसका वेग है उसके अधिकतम वेग के कितना है, 1/3 है, तो यहाँ पे Vp यानी बिंदु P पे हम लोग वेग निकालें तो कितना आ जाएगा Vp, P का मतलब बिंदु P पे वेग है। ठीक है, कितना हो जाएगा V max का मान कितना है, अंडर रूट 2gh है, इंटू कितना है 1/3, यानी अधिकतम वेग का 1/3 वेग है, कहाँ पे, बिंदु P पे। ठीक है, वेग निकल गया, तो बिंदु P पे हम लोग काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं, क्योंकि बिंदु P पे हम लोग को वेग पता चल गया कितना वेग है यहाँ पे, तो आसानी से हम लोग इस यहाँ की गतिज ऊर्जा निकाल सकते हैं, किस फार्मूले से, गतिज ऊर्जा के फार्मूले से, क्या होता है K बराबर, K निकालना है किस बिंदु पे, P पे, तो इसलिए इसको के पी कर दे रहे हैं। ठीक ना, P बिंदु पे काइनेटिक एनर्जी, तो के पी बराबर क्या हो जाएगा 1/2 mv² होगा, होगा ना, तो क्या हो जाएगा के पी बराबर 1/2 m, अभी का मान कितना है, यानी बिंदु P पे भी कितना है,
अंडर टू जी एच अपान करनी में तीन, यानी इसको लिख सकते हैं ऐसे, करनी में दो जी एच बटा में करनी में तीन, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो वी की जगह पे इतना रखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट हट जाएगा दोनों का, तो हो जाएगा टू जी एच बटा में थ्री, होगा ना। यहाँ से दो कैंसिल हो जाएगा, तो के पी बराबर आपका बच जाएगा क्या, एम जी एच बटा में तीन। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, यानी बिंदु पी पे हम लोग की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, एम जी एच बटा तीन होगी। ठीक है, इतना जूल होगी क्या बिंदु पी पे काइनेटिक एनर्जी। अब हम लोग बिंदु पी पे क्या निकाल लेते हैं, स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए हम लोग को इस पृथ्वी तल से और इसकी दूरी हम लोग को चाहिए, यानी ये ऊंचाई हम लोग को चाहिए, कुछ भी इसको y मान लेंगे, यानी हम लोग को ये y चाहिए। तब यहाँ से पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पे है, तो हम लोग ये ऊंचाई पता हो जाएगी, तो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। लेकिन देखिए, ये जो पिंड है इसको यहाँ से यहाँ तक गिराया जा रहा है, तो ये दूरी हम लोग निकाल सकते हैं कि ये दूरी कितना ट्रेवल करेगा। ठीक है, यानी इस एक्स दूरी को निकालेंगे कि कितना चलेगा, यहाँ से यहाँ तक आने में कितनी दूरी तय किया रहेगा, उसको इस एच में से इतनी दूरी घटा देंगे तो ये दूरी मिल जाएगा ना, वाई मिल जाएगा ना, मिल जाएगा। चलिए इसको कैपिटल एच मान लेते हैं, ठीक ना, इसको कैपिटल एच मान लेते हैं, हम लोग को ये ऊंचाई चाहिए कैपिटल एच। ठीक है, इसको एक्स मान लिए, ठीक है, ये टोटल ऊंचाई कितनी है, एच है। तो देखिए इसको भी निकालिए, यहाँ से यहाँ तक चली गई दूरी गति के तीसरे समीकरण से ही, ठीक है, क्या वी स्क्वायर बराबर क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। ठीक है, ये अंतिम वेग है ना, तो अंतिम वेग यही इसी को लेंगे ना, वी मैक्स को ही लेंगे। अभी मैक्स का मान कितना है, अंडर रूट टू जी एच है, अंडर रूट टू जी एच है वी का मान, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, यानी टू जी एच बराबर क्या हो जाएगा, यू यू का मान क्या है, जीरो, तो ये तो हो जाएगा जीरो प्लस टू जी एच। ठीक है, ये जीरो का मतलब ये गायब हो गया। ठीक है, यहाँ पे एच की जगह पे क्या मान है, इसकी एच क्या है, ये एक्स मान है, तो एक्स लिख लेते हैं। ठीक है, इतना बात क्लियर है ना, यानी इसकी इसकी ऊंचाई एच मान है ना, इसको एक्स मान है, तो एच की जगह पे एक्स लिख देंगे। देखिए टू जी से टू जी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या मिलेगा, सॉरी सॉरी गलती हो रहा है, ठीक ना। देखिए पी बिंदु पे हम लोग को यहाँ पे ना, यहाँ से यहाँ तक ही नहीं, तो यहाँ पे अंतिम वेग कितना हुआ है, वीपी कितना निकल के आया है हम लोग का, अंडर रूट जी एच बटा करनी में तीन निकला, यानी बटा में तीन छूट रहा है। ठीक ना, स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे इसकी भी करनी हट जाएगी, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसकी भी करनी हट जाएगी। ठीक ना, हम लोगों ने इस वेग को रखा है, तो इसको नहीं रखना है हमको, पी बिंदु पे ना यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी निकालना है, तो ये होगा प्रारंभिक वेग होगा, यहाँ पे अंतिम वेग होगा। तो वीपी पे अंतिम वेग हम लोग निकाल चुके हैं, कितना, अंडर रूट टू जी अपान अंडर रूट थ्री, इसका स्क्वायर करेंगे तो टू जी अपान थ्री हो जाएगा। ठीक है, तो टू जी से टू जी कट गया, तो एक्स बराबर कितना आया, एक्स बराबर कितना आया, एक्स बराबर आया एच बटा तीन। ठीक है, एक्स का मान कितना आया, एच बटा तीन, यानी ये दूरी हम लोग को पता चल गई कितनी, एच बटा तीन। तो हम लोग को ये दूरी चाहिए, ये टोटल दूरी एच है और ये दूरी एच बटा तीन है, तो ये दूरी क्या हो जाएगी, तो एच माइनस एच बटा तीन। इसको सॉल्व कर देंगे तो थ्री एच में से एक एच गया, टू एच बटा तीन, यानी ये जो ऊंचाई हो गई कितनी हो गई, टू एच बटा तीन हो गई। इतनी बात सबको समझ में आई, तो अब यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं, कहाँ पे, बिंदु पी पे हम लोग निकाल सकते हैं स्थितिज ऊर्जा, यानी यू पी, यानी पी बिंदु पे उसकी क्या पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, एम जी एच होता है, कैपिटल एच मान लेते हैं, क्योंकि ये ऊंचाई को हम लोग कैपिटल एच माने ना, और कैपिटल एच का मान ये है टू एच अपान थ्री, कैसे आया है, तो टोटल एच में से इस एच को घटा दिए, ठीक ना, यानी ये दूरी ये ऊंचाई को इस पूरी ऊंचाई में से घटा दिए, तो ये हम लोग को निकला है। ठीक है, तो यहाँ से यू पी बराबर कितना आ जाएगा, एम जी एच का मान कितना है, टू एच अपान थ्री हो जाएगा, टू एच अपान थ्री। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। हम लोग को क्वेश्चन में पूछा क्या है, कह रहा है कि गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा में अनुपात, यानी गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा का मतलब के पी अपान यूपी, यानी इसका मतलब हम लोग क्या कर देंगे, समीकरण एक में भाग करेंगे किससे, दो से। ठीक है, समीकरण एक में किससे भाग करेंगे, दो से,
ये अलग है, ठीक ना, ये सब अलग है। तो समीकरण दो एक में भाग करना है दो से, यानी केपी में भाग करना है यूपी से, तो क्या हो जाएगा, के पी बटा यूपी बराबर क्या हो जाएगा, इसका मान कितना है, एम जी एच बटा तीन, अब पूरे का बटा क्या है, एम जी टू, टू एम जी एच बटा तीन, टू को लिख सकते हैं टू एम जी एच बटा तीन। देखिए थ्री से थ्री कट जाएगा, कटेगा एम जी एच से एम जी एच कटेगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, के पी अपन यू पी बराबर क्या बचेगा, के पी बटा यू पी बराबर क्या बचेगा, देखिए ये पलट के ऊपर गया होगा, इसका इसमें गुणा हुआ होगा, यानी ऊपर एक बचेगा नीचे दो बचेगा, यानी एक बटा दो, इतना ही आएगा ना। इसका अनुपात ही पूछ रहा है ना, के पी अपन यू पी का अनुपात पूछा है, यानी इसको लिखे हम लोग क्या, के पी संबंधे यू पी, तो क्या हो जाएगा, एक संबंधे दो, ठीक है, एक संबंधे दो, यही अनुपात होगा किसमें, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में, किस बिंदु पे, तो P बिंदु पे, ये P दिख रहा है, के पी, पी, पी का मतलब क्या है, उस पॉइंट P पे, ठीक है, तो P बिंदु पे K यानी गतिज ऊर्जा और P बिंदु पे ही स्थितिज ऊर्जा का अनुपात कितना होगा, एक संबंधे दो का होगा, ठीक है, बात सबको समझ में आई होगी, तो इसको शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिएगा थोड़ा, ठीक ना, मैं उधर जाके समझाऊंगा, तो इसको शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए। अब देखिए समझिएगा, हम लोग को बस पूछा था कि h ऊंचाई से गिराया जा रहा है किसी पिंड को, तो किसी बिंदु पे उसकी गतिज और स्थितिज ऊर्जा का अनुपात पूछा था, तो हम लोगों को क्वेश्चन में बोला था कि जो उसका अधिकतम वेग है p बिंदु पे, जो वेग है वो अधिकतम वेग के एक बटा कर्णी में तीन है, जो जो कंडीशन कहा है हम लोगों ने उसके अनुसार, तो पहले तो हम लोग को वी मैक्स चाहिए, तो जब टकराता है उसी समय उसका अधिकतम वेग होता है, तो वहां से हम लोग गति के तीसरे समीकरण से निकाल लिए वी मैक्स बराबर अंडर रूट टू जी एच, ठीक है, तब पी बिंदु पे उसका अंडर रूट थ्री गुना कर दिए, यानी एक बटा अंडर रूट थ्री गुना कर दिए, तो पी बिंदु पे वेग निकल गया है, अब वेग निकल गया तो उसकी स्थितिज ऊर्जा निकाल लिया इतना, अरे गतिज ऊर्जा निकाल लिए हैं, और ये दूरी कितना तय किया है, ये दूरी तय किससे निकाले हैं, गति के तीसरे समीकरण से निकाले हैं, कितना x का मान आया है h बटा 3, तो यानी ये दूरी h बटा 3 आई है और टोटल दूरी h है, तो ये दूरी निकाल दिए हैं, किसमें से h में से ये घटा दिए, इतना आ गया है, अब इतना आ गया है, तो ये ऊंचाई पता चल गया, तो इस बिंदु पे हम लोग स्थितिज ऊर्जा भी ज्ञात कर सकते हैं, तो वहीं स्थितिज ऊर्जा के फार्मूले से h का मान रखकर ज्ञात कर लिए, इसका अनुपात पूछा था, यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का अनुपात पूछा था, तो इसका इसमें इससे भाग कर देंगे, यही पूछा होता स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में अनुपात, तो इसमें इससे भाग किए होते, ठीक ना, जब भी जिसका नाम पहले लेगा उसको ऊपर रखेंगे, जिसका नाम बाद में लेगा उसको बटे में रखेंगे, ठीक है, तो हम लोगों से पूछा था गतिज ऊर्जा एम स्थितिज ऊर्जा के बीच अनुपात पूछा था, इसलिए हम लोगों ने समीकरण एक में समीकरण दो से भाग किए, तो कितना है, एक संबंध है दो, ऑप्शन की बात कर ले 35 का, तो कौन सा सही हो जाएगा, देख लीजिए 35 का ऑप्शन नंबर बी, दो संबंध है एक, जो कि आपका गलत है, ठीक ना, ये आपको मैंने बताया ना, वर्ड चेंज करेंगे तो अनुपात चेंज हो जाएगा, गतिज ऊर्जा पहले बोलेंगे स्थितिज ऊर्जा बाद में, तो एक संबंधी दो आएगा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के बीच अनुपात पूछेंगे तो दो संबंधी एक आएगा, ठीक ना, तो आपका स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के रूप में आंसर को चॉइस किया है, लेकिन देखिए ऑप्शन नंबर सी दिया है आपका, एक संबंधी दो, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका, करेक्ट होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है, हम लोग क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा के बीच अनुपात पूछा है तो ये होगा एक संबंध है दो, बात सबको समझ में आई होगी, तो ये रहा 35 नंबर क्वेश्चन जो कि पिछले वीडियो में छूट गया था, हम लोगों ने सॉल्व नहीं कर पाया, मैंने ध्यान भी नहीं दिया, तो नोट कर लीजिएगा इसे, फिर हम लोग देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन से, ठीक है, तो नोट करिए इसे, चलिए देखते हैं हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन, 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि विरामावस्था में एम द्रव्यमान के पिंड में संचित ऊर्जा होगी, यानी एम द्रव्यमान का कोई पिंड है उसमें कितनी ऊर्जा संचित होगी, तो आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने द्रव्यमान को ऊर्जा, द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच एक रिलेशन दिया था, एक इक्वेशन दिया था, ठीक है, और इक्वेशन क्या दिए थे उन्होंने, कि कोई भी द्रव्यमान का मतलब कोई भी पिंड हो जिसका कुछ द्रव्यमान हो, एम द्रव्यमान हो, तो उसे कितनी एनर्जी मिलेगी, तो ई बराबर क्या होता है, एम सी स्क्वायर, यही इक्वेशन दिए थे उन्होंने, ठीक है, तो कितने कोई भी
वस्तु हो उसका द्रव्यमान m हो तो उसमें कितनी ऊर्जा संचित होगी, तो E बराबर mc स्क्वायर, यानी इतनी ऊर्जा संचित होगी, जहां c क्या होता है, प्रकाश की चाल होता है, प्रकाश की चाल होता है, और प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3×10^8 m/s। ठीक है, तो ऑप्शन की बात कर लेंगे तो कौन सा सही हो जाएगा 50 का, ऑप्शन नंबर डी mc स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बात सबको समझ में आई होगी, किसी कितना हो भी आपको द्रव्यमान मालूम हो कि इतना द्रव्यमान का ये पदार्थ है तो उसे कितनी एनर्जी मिलेगी, तो आप इस फार्मूले का यूज करके उसे उसका पता कर सकते हैं कि इससे इतनी एनर्जी मिलेगी। ठीक है ना, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, 52 नंबर, अरे सॉरी 51 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनिएगा, कह रहा है कि एक इंजन की सामर्थ्य 30 किलोवाट है, ठीक है, इसके द्वारा 150 किलोग्राम के पिंड को 0.50 मीटर की ऊंचाई तक उठाने में लगने वाला समय है, जी का मान आपको रखना है कितना, 9.8 m/s². ठीक है, पी का मान दे रखा है, कितना दे रखा है, पी का मान कितना वाट दे रखा है, तो 30 किलोवाट, 30 किलोवाट, किलोवाट इसका मतलब इसको चेंज कर देंगे वाट में तो हो जाएगा 30×10^3 W हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया पी का मान, और दे रखा है किसका, द्रव्यमान दे रखा है, एम का मान दे रखा है 150 किलोग्राम, 150 किलोग्राम, 150 kg, और ऊंचाई दे रखा है आपका, एच का मान दे रखा है, एच का मान 0.50 मीटर, ये दे रहा है ना, हाँ, इतना मीटर की ऊंचाई तक उठाने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो सारी वैल्यू दी रखा है आपको, जी क्वेश्चन में ही बता दिया कि जी का मान इतना रखना है, पी का मान इतना, एम का मान इतना, और एच का मान इतना। ठीक है, लेकिन देखिए एच का मान इतना नहीं रखा है, यहाँ पे पॉइंट लगा दे लेकिन पॉइंट नहीं है। ठीक है, बहुत मिसप्रिंट कर रहा है ये बुक, ठीक ना, यहाँ पे आपको एच 50 मीटर रखना है तब आपका आंसर आएगा, यदि 0.5 मीटर, 0.50 मीटर रख के सॉल्व करेंगे तो आंसर कुछ और आ रहा है। ठीक ना, मैंने सॉल्व करके देखा तो आंसर कुछ और आ रहा है, यहाँ पे आपका 50 होना चाहिए। ठीक है, बहुत मिसप्रिंट किया है कई क्वेश्चनों में ये। ठीक है, तो सारी वैल्यू दे रखा है, हम लोग को पता है क्या कि पी बराबर क्या होता है, पी बराबर होता है W/T, और W बराबर क्या होगा भाई, एच ऊंचाई तक हम लोग को ले जाना है तो mgh कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो P बराबर क्या हो जाएगा, mgh/T, और यहाँ से T का मान निकालें तो क्या हो जाएगा, mgh/P। अब सबका मान रख के यहाँ पे अब सॉल्व कर देंगे, आसानी से आपका आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए रखते हैं, तो T बराबर क्या हो जाएगा, m का मान कितना है, 150, यहाँ पे देख लीजिए m का मान कितना है, 150 किलोग्राम, जी का मान कितना रखना है, 9.8 × एच का मान कितना रखना है, 50 बटा, पी का मान कितना है, तो 30 किलोवाट ना, तो 30×10^3। ठीक है, ये जीरो से जीरो कट जाएगा, 3×5 = 15, यानी टी बराबर हो गया कितना, 5×9.8×50/10^3 का मतलब 1000, इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन सब का गुणा करिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए 5×5 = 25 हो जाएगा। ठीक है, तो 5×5 = 25, यानी 250×9.8, ऐसे कर लेते हैं, अब गुणा करिए, देखिए एक जीरो तो दशमलव को गायब कर देगा, तो चलिए भाई इस जीरो को और इस दशमलव को हटा देते हैं, यानी 98 में और 25 से गुणा करना है, तो क्या हो जाएगा, टी बराबर 25 × 200 कितना लगेगा, कितना कॉमन होगा, 20, अब 25 नामक कितना हो जाएगा, 225, और 225 में कितना जोड़ेंगे, 20 जोड़ेंगे, यानी 225 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 245, कितना हो जाएगा, 245, यानी इसका इसका गुणा करेंगे तो आएगा 2450, यानी 2450, अब बटा में कितना है, 1000। ठीक है, अब भाग करेंगे 1000 से तो कितना आ जाएगा, दो बार भाग जाएगी, उसके बाद से भाग नहीं जाएगी तो दशमलव लगा के जीरो बढ़ाएंगे तो 4×5 कितना आ जाएगा, इतना सेकेंड, यानी टी का मान आ जाएगा 2.45 सेकेंड, ये 5 है। ठीक है, 5 है, तो बात सबको समझ में आई होगी, सारा वैल्यू दे रखा था, बस वैल्यू रख के आपको कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो आएगा टी का मान कितना, 2.45 सेकेंड।
सेकेंड, ठीक है। तो जो मोटर है 30 किलोवाट का, उसको 50 मीटर की ऊंचाई तक, ना कि 0.50 नहीं है, ठीक है, बुक क्या किया है, मिसप्रिंट किया है, वो 50 मीटर है, 50 मीटर की ऊंचाई तक ले जाने में उसको कितना समय लगेगा, तो 2.45 सेकेंड का समय लगेगा। तो ऑप्शन की बात कर ले 51 नंबर क्वेश्चन की, तो 2.45 सेकेंड आपका ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, सॉरी ये 50 है ना, 51 यहाँ पे, ऑप्शन नंबर क्या कर रहा है, ए मैच कर रहा है। ये अलग सवाल है, ये ऊपर 50 का है और यहाँ से 51 सवाल का है, ठीक है, तो इसे नोट करिएगा। फिर हम लोग देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन, देखिए 52 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि किसी पिंड का संवेग 2 गुना हो जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, वो भी परसेंट में, कितनी परसेंट बढ़ जाएगी, ठीक है। तो चलिए, गतिज ऊर्जा और संवेग में हम लोगों ने संबंध निकाला है क्या, पी स्क्वायर बराबर निकाला है क्या, निकाले हम लोग पी स्क्वायर बराबर 2mk, ठीक है, तो k बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा पी स्क्वायर बाई 2m, यही होगा ना। तो ये हो गया समीकरण एक, मान लेते हैं इसको, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में जो गतिज ऊर्जा है पी स्क्वायर बाई 2m के बराबर है। कह रहा है सेकेंड कंडीशन, यदि संवेग को 2 गुना कर दिया जाए, ठीक है, यानी p को कितना कर दिया जाए, 2p कर दिया जाए, तब उसका गतिज ऊर्जा होगी वो कितनी होगी, और उसमें जो परिवर्तन होगा वो कितना परसेंट का परिवर्तन होगा, ठीक है, परिवर्तन को पूछा है। तो चलिए भाई दूसरी कंडीशन रख लेते हैं, उसको k डैश मान लेते हैं, ठीक है, तो k डैश बराबर क्या हो जाएगा, p के स्थान पे 2p रखना है, तो 2p स्क्वायर बाई 2m हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इसकी गतिज ऊर्जा में कितनी क्या होगी, इसकी गतिज ऊर्जा में बढ़ेगी कितनी, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है, तो अनुपात निकाल लेते हैं कितना भाई बढ़ेगा, यानी पहले इतना था अब इतना हो जा रहा है, तो कितना बढ़ेगा, तो समीकरण एक में भाग कर देते हैं समीकरण दो से, तो हो जाएगा के अपान के डैश बराबर कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर बाई 2m, अब पूरे का बटा क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर ना, तो स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4p स्क्वायर बाई 2m, ठीक है, 2m से 2m कैंसिल हो गया, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, के अपान के डैश बराबर कितना आएगा, 1/4, 1/4 आएगा, ये आएगा ना, क्योंकि ये ऊपर जाएगा इसका इसमें गुणा होगा, तो बचेगा 1/4, तो हम लोग के डैश का मान निकाले तो कितना आएगा, 4k, यानी जो उसका संवेग हम लोग कर देंगे 2 गुना, तो जो के डैश यानी जो नया हम लोग का वेग काइनेटिक एनर्जी होगी, गतिज ऊर्जा, वो कितनी होगी, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा के 4 गुना हो जाएगी, यानी उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, ठीक है, तो कितनी बढ़ेगी उसको, तो कितनी बढ़ेगी उसको निकाल लेते हैं। तो देखिए भाई कितना था, के था, अब फिर बढ़ के कितना हो जा रहा है, 4k, यानी कितना बढ़ रहा है, तो 4k में से माइनस k कर देंगे तो कितना आएगा, 3k, यानी जो डेल्टा के हम लोग को मिल रहा है वो कितना हो रहा है, 3k निकल के आ रहा है, यानी डेल्टा के निकालेंगे तो कितना वृद्धि हो रहा है, तो शुरू शुरू में k था, फिर कितना हो जा रहा है, 2 गुना करने पे 4k हो जा रहा है, तो कितने की वृद्धि हुई, तो 4k में से माइनस k कर देंगे तो कितना वृद्धि हो गया, 3k हो गया, इतना हो गया ना। हम लोगों को निकाल मालूम, एक क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने प्रतिशत वृद्धि निकाला था, तो यहाँ पे भी प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे, ठीक है, प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे, क्योंकि वृद्धि प्रतिशत में दिया है, तो प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे, तो क्या होता है, वृद्धि होता है बटा में उसका वास्तविक मान होता है, और गुणे 100 होता है, यही होता है ना। तो चलिए प्रतिशत वृद्धि कितनी हो जाएगी, किसमें, तो गतिज ऊर्जा में, ठीक ना, गतिज ऊर्जा में प्रतिशत वृद्धि कितनी हो जाएगी, तो डेल्टा के का मान कितना है, 3k, अब बटा में क्या है, के, और गुणे क्या है, 100, के से के कैंसिल हो गया, 3 का 100 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 300%, ठीक है, कितना हो जाएगा, 300%, यानी किसी भी वस्तु का गतिज ऊर्जा में, ठीक है, कोई भी वस्तु की गतिज ऊर्जा है उसको 2 गुना करेंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी, परसेंटेज में कितनी होगी, 300% की वृद्धि कितनी होगी, 3k होगी, ठीक है, बात सबको समझ में आई होगी।
नोट करिएगा, फिर हम लोग देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। ये 52 था ना, 53 नंबर क्वेश्चन, सॉरी सॉरी, इसका ऑप्शन भी देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो 53 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 300% ऑप्शन नंबर सी कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। बात सबको समझ में आई होगी, बहुत ईजी था। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए, फिर हम लोग देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि बादल जमीन से 1600 मीटर ऊपर हैं तथा पर्याप्त वर्षा होती है जिससे एक क्या है इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख यानी 12,80,000 वर्ग मीटर सतह 0.2 सेंटीमीटर गहरे पानी से ढक जाता है तो पानी को बादलों तक उठाने के लिए कृत कार्य कितना होगा। एक घन सेंटीमीटर पानी का जो भार है वो 1 ग्राम है। ठीक है, यानी एक घन सेंटीमीटर जो पानी का भार है, पानी का भार है वो कितना है, 1 ग्राम है, 1 ग्राम है। ठीक है, तो हम लोग क्या करें कि बादल जो है, बादल ठीक है, वो बादल जमीन से कितनी ऊंचाई पे है, कितनी ऊंचाई पे है, तो 1600 मीटर की ऊंचाई पे है। कितने की, 1600 मीटर की ऊंचाई पे है। बात सबको समझ में आई, क्या क्या रहा है कि 1600 मीटर की ऊंचाई पे है और इससे पर्याप्त वर्षा होती है। ठीक है, इससे क्या होती है, पर्याप्त वर्षा होती है जिससे क्या होता है कि जमीन का कितना भाई वर्ग सेंटीमीटर जो एरिया बता रहा है, कितना एरिया, तो ये 12,80,000 वर्ग मीटर जो एरिया है वो क्या हो जा रहा है, तो पानी से ढक जा रहा है। और उस पानी की जो गहराई यानी कितनी मोटर लेयर बन रही है पानी की, तो उसकी लेयर बन रही है, मान लीजिए कुछ पानी की ऊंचाई बताया है वो 2.5 सेंटीमीटर, यही बताया ना, 2.5 सेंटीमीटर गहरे पानी से। जैसे मान लीजिए बारिशा वर्षा होती है तो पानी का लेवल उठा ऊपर जाता है ना, जैसे जमीन है ये, तो पानी वर्षा होती जाएगी तो ऐसे ऊंचाई बढ़ती जाती है ना, तो उसी की ऊंचाई दिया है। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में चेंज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2.5/100 से कर देंगे क्या भाग, तो मीटर में चेंज हो जाएगा। तो इतने एरिया में इतना ऊंचाई तक पानी भरा है। ठीक है, तो इसका, इस जल का आयतन हम लोग निकाले, क्योंकि एक घन सेंटीमीटर ये आयतन है। ठीक है, ये क्या है, आयतन है, तो आयतन निकालेंगे तभी तो हम उसका भार निकाल पाएंगे। हम लोग को पूछा है क्या, इसकी, इस पानी को इस बादल तक पहुंचाने में, उठाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, यानी इतनी ऊंचाई तक उठाने में किया गया कार्य क्या होगा, वही U बराबर क्या होगा, MgH, यानी जो कार्य होगा वही होगा MgH के बराबर। ठीक है, U जो स्थितिज ऊर्जा है वही कार्य, जो कार्य करेगा वही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगी। ठीक है, तो कार्य कितना होगा, U के बराबर करना पड़ेगा, यानी MgH के बराबर करना पड़ेगा। तो हम लोग को चाहिए क्या, M, तभी तो इसका आयतन निकाल लेंगे, तो आयतन को हम लोग द्रव्यमान में चेंज कर लेंगे, G का मान 9.8 रखना ही है, H का मान आपको 1600 दिया ही है। ठीक है, तो निकालते हैं हम लोग क्या, पानी का आयतन, क्या निकालते हैं, पानी का आयतन। तो पानी का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, हम लोग को क्षेत्रफल दिया है तो बस क्या करना है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होती है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, तो क्षेत्रफल दे ही रखा है, बस ऊंचाई से उसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, तो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल गुणे क्या होगा, ऊंचाई, क्षेत्रफल कितना है, तो कितना है, 1,12,80,000 गुणे ऊंचाई कितना है, तो 2.5/100 2.5/100। ठीक है, अब ये आयतन किसमें चेंज होगा, तो मीटर में है ना, तो घन मीटर में होगा, किसमें, घन मीटर में, यानी मीटर क्यूब में होगा। ठीक है, इसको मीटर क्यूब लिख लेते हैं, मीटर क्यूब में इतना घन मीटर होगा इसका आयतन। देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, चलिए 1 दशमलव को एक जीरो और कटा लेंगे, यानी मान लीजिए 3 जीरो गायब हो गया, इसका मतलब ये 25 हो गया। अब 25 का इसमें गुणा करिए तो 25 जीरो जीरो 25 बाटे 220 25 दूना 50 2 70 7 25 से 25 7 7 7 5 क्या होता है 12, यानी हो जाएगा कितना, 32,000
घन मीटर क्या होगा, उसका आयतन होगा 32,000 घन मीटर आयतन होगा, लेकिन हम लोग को आयतन घन सेंटीमीटर में चाहिए, तो घन मीटर को घन सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 32,000, ये घन मीटर में है तो इसको चेंज करना है घन सेंटीमीटर में, ठीक है। तो एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, यानी 10^2 सेंटीमीटर होता है, यानी 10^ सॉरी ये नहीं चल रहा है थोड़ा, कितना हो जाएगा 10^2 सेंटीमीटर होता है, इसका क्यूब है तो इसका भी क्यूब कर देंगे तो ये हो जाएगा किसमें, घन सेंटीमीटर में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा इसको यहाँ दशमलव तो इधर लेकर आए तो हो जाएगा 3.2, कितना 1, 2, 3, 4 आया तो 10^4 लग जाएगा, और गुड़े ये कितना हो जाएगा 10^6 घन सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 3.2 × 10^6 = 10, 10^10 घन सेंटीमीटर, इतना घन सेंटीमीटर क्या होगा, पानी का आयतन होगा। समझ में आया कैसे, क्योंकि एक मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर, तो इतना मीटर यानी इतना मीटर, मीटर क्यूब का मतलब 3 बार ना, ठीक ना, तो मीटर क्यूब का मतलब 3 बार सेंटीमीटर, यानी एक मीटर को 3 बार सेंटीमीटर में बदलेंगे तो एक मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 3 m³ का मतलब 3 बार गुणा ना, 3 बार गुणा, तो 100 × 100 × 100 मतलब 10^3, अरे 100^3 वही ना, तो 100^3 का मतलब 10 को लिख सकते हैं, अरे 100 को लिख सकते हैं 10^2 और उसका पावर 3 कर दें, ठीक है। तो चेंज हो गया किसमें, सेंटीमीटर क्यूब में, घन सेंटीमीटर में। एक घन सेंटीमीटर का द्रव्यमान दे रखा है 1 ग्राम, तो हम लोग इतना घन सेंटीमीटर का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो एक घन सेंटीमीटर द्रव्यमान, एक घन सेंटीमीटर पानी का द्रव्यमान दिया कितना 1 ग्राम, तो हम लोग निकाल लेंगे 3.2 × 10^10 सेंटीमीटर, यानी घन सेंटीमीटर पानी का कितना हो जाएगा द्रव्यमान या भार कितना हो जाएगा, तो 3.2 × 10^10 × 1 ग्राम, यानी इतना ग्राम होगा, ठीक है, ये अलग है, इतना ग्राम होगा। अब इस जो ग्राम है इसको चेंज कर देंगे किलोग्राम में, तो 1000 से क्या करना पड़ेगा, हम लोग को भाग करना पड़ेगा, 1000 का मतलब 10^3 से क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा, तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, किलोग्राम में चेंज हो गया, किसमें चेंज हो जाएगा, किलोग्राम में, तो 10^3 है तो इसमें से 3 कट जाएगा, घात 3 कट जाएगा, तो बचेगा कितना 7, ठीक है। यानी जो इसका m का मान निकल के आ गया कितना आ गया 3.2 × 10^7 किलोग्राम, m का मान निकल के आ गया कितना 3.2 × 10^7 किलोग्राम। अब हम लोग आसानी से u का मान निकाल, अरे सॉरी w, कितना कार्य करना पड़ेगा इस पानी को इस बादल तक उठाने में, चलिए तो निकाल लेते हैं कि बादलों तक पहुंचाने में उठाने में पानी को कितना कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी में सबका मान रखना है, m का मान निकाल ही लें इतना, तो कितना है m का मान 3.2 × 10^7 g का मान रखना है आपको यहाँ पे 10, ठीक है, और h कितना है 1600 मीटर, h कितना है 1600 मीटर, बस इसी का कैलकुलेशन करिए, एकदम आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं, देखिए इसका इसमें देखिए लिख लेते हैं 3.2 × 16, इसमें का दो जो दो जीरो है उसको लिख सकते हैं 10^2 × 10 है, और गुड़े 10^7 क्या है 7 है, इतना है। अब इसका गुणा करें तो कितना हो जाएगा, 16 × 16 = 32, कॉमन कितना हुआ 3, फिर 16 × 32 = 48, 48 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 51.1 स्थान पे। अब इनको सबको घाते जुटेंगी ना, 7 × 2 = 10, यानी 10^ कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो कितना हो गया 51.2 × 10^10, और क्या करते इतना जूल हुआ, यदि इस दशमलव को गायब करेंगे तो इसमें से क्या कर सकते हैं, कितना 51.2 है ना, तो इसको लिख सकते हैं 10 × 10^9 लिख सकते हैं, क्योंकि घात जुटेगी तो फिर 10 हो जाएगा, ये दो 10 है इसका दशमलव गायब कर दीजिए हो जाएगा 512 × 10^9 जूल, ठीक है। इतना कार्य करना पड़ेगा हम लोग को, क्या करने के लिए, तो पानी को बादलों तक उठाने के लिए कितना 512 × 10^9 जूल का कार्य करना होगा, बात सबको समझ में आई होगी, ठीक है। तो ऑप्शन की बात कर ले तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर आपका था 53, तो 53 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 512 × 10^9, 512 × 10^9 ऑप्शन तो दिया नहीं है,
देखिए 512 गुणे 10 की पावर 9 जूल दिया नहीं है। यदि हम लोग देखिए ऑप्शन नंबर सी है, कितना इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख यानी 5 लाख सॉरी 51,200। तो यदि इसको 51,200 भी हम लोग करें तो तब भी आंसर नहीं आएगा, क्योंकि 51,000 यानी इसके मतलब 2 जीरो बढ़ाएं तो वहाँ पे 2 जीरो मतलब घात 2 कम होगा यानी 10 की पावर 7 होगा। इसका मतलब इतना भी नहीं दिया है आंसर। ठीक है, आपका बुक में 53 का ऑप्शन नंबर ए बता रहा है यानी 512 × 10 की पावर 6 बता रहा है, तो आपका मिस प्रिंट क्या है। ठीक ना, मैंने बताया ना कि बहुत ये मिस प्रिंट कर रहा है बुक, क्योंकि देखिए हम लोग का सोल्यूशन तो एकदम बिल्कुल ठीक है, सब कुछ सही है, क्या कर रहा है इसका कैलकुलेशन ही गलत कर दे रहा है। ठीक है, इसका कैलकुलेशन ही गलत कर दे रहा है, कुछ मिस प्रिंट कर दे रहा है। ठीक ना, तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है उसमें 10 की पावर 6 की जगह पे 10 की पावर 9 कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, क्या कर दीजिए वहाँ पे, यानी जो आप 53 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपके बुक के अनुसार, वो दिया है 512 × 10 की पावर 6 जूल। ठीक है, 6 जूल, लेकिन यहाँ पे 6 नहीं है, क्या है, 9 है। ठीक है, बना लीजिएगा आप लोग 9, इसको मान लीजिए, क्योंकि अगर इतना भी चेंज कर रहे हैं तभी नहीं आ रहा है। ठीक ना, यदि और एक जीरो होता तब भी यहाँ पे 6 होता, जो तो आप लोग ऑप्शन नंबर सी क्या होता, सही हो जाता। ठीक ना, लेकिन आपका बुक में ऑप्शन नंबर ए को बताया है सही, लेकिन उसमें 6 की जगह पे 9 की जगह पे 6 प्रिंट किया है। ठीक है, तो आप लोग बना लीजिएगा, और जो 53 नंबर क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, बात सबको समझ में आई होगी। ठीक ना, कैसे निकाले हैं, इसका आयतन क्षेत्रफल दिया था, ऊंचाई दिया था जल का, तो उससे आयतन निकालिए, एक आयतन का द्रव्यमान दिया था इतना ग्राम, तो पूरे आयतन का द्रव्यमान निकाल लिए कितना, इतना किलोग्राम, और यहाँ पे m का मान रखे हैं, g का मान रखे हैं, h का मान दिया था 1600 मीटर। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर ए मैच किया 53 का। अगला देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन, तो इसको नोट करिएगा, फिर हम लोग देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखिएगा 54 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1 किलोवाट शक्ति की मोटर को 10 मीटर गहरे कुएं से पानी उठाने के लिए प्रयोग किया जाता है, प्रति मिनट पानी उठाने की मात्रा होगी, जी का मान रखना है 9.8, 9.8 रखना है। ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रखना है। पी का मान दिया है 1 किलोवाट, 1 किलोवाट दिया है, 1 किलोवाट ये दिया है ना, 1 किलोवाट, तो इसको वाट में चेंज कर देंगे कितना हो जाएगा, 10 की पावर 3 मतलब 1000 वाट हो जाएगा। और क्या दिया है, समय दिया है, टी का मतलब प्रति मिनट, प्रति मिनट मतलब 1 मिनट, 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकेंड होता है। और क्या दिया है आपको क्वेश्चन में, 10 मीटर गहरे कुएं से निकालना है, यानी एच बराबर दिया है 10 मीटर। ठीक है, तो पूछा है कि कितनी मात्रा निकलेगी, यानी एम का मान पूछा है। ठीक है, तो फार्मूला होता है P बराबर क्या होता है, W/T, या W का मतलब MgH बाई T, सब का मान दिया है, P का मान दिया है 1000, M का मान ज्ञात करना है, G का मान 9.8 रखना है, H का मान कितना दिया है 10, अब बटा में T का मान कितना दिया है 60। ठीक है, इसका इसमें गुणा करेंगे, 10 गायब हो जाएगा, M का मान निकालना है, तो ये जाके इसमें गुणा में होगा, यानी M बराबर हो जाएगा 1000 गुणे कितना होगा 60, बटे में 9.8, 10 गायब हो जाएगा, 10 से गुणा करेंगे तो। ठीक है, ऐसी को डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक ना, करेंगे तो हो जाएगा कितना, 60,000/98, ऐसी का डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए भाग करते हैं, 60,000 में भाग करिए 98 से, कितना आ जाएगा आपका, 60,000 में भाग करेंगे 98 से तो आ जाएगा आपका 612.24, 612.24 किलोग्राम। ठीक है, कितना आ जाएगा, 612.24 किलोग्राम का क्या होगा, पानी, इतना मात्रा पानी क्या करेगा, वो कुएं से उठाएगा। ठीक है, जिसकी गहराई 10 मीटर है। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आई। चलिए तो अगला देखते हैं, 54 हो गया, तो 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये सब आगे ऑप्शनल है। ठीक है, आगे सब ऑप्शनल है, 55 नंबर क्वेश्चन सुनिएगा, 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ऊर्जा का मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक क्या है, जैसे हम लोग बताए, मैंने बता भी दे रहा हूँ यहाँ पे, ऊर्जा का मात्रक यहाँ पे किलोवाट घंटा है। ठीक है, किलोवाट घंटा जो होता है ऊर्जा का मात्रक होता है, क्योंकि हम लोग को जो बिजली बल्ब जलाते हैं, मैंने बताया ना कि उसके जो ऊर्जा जितनी खर्च होती है वो किसमें मापते हैं, यूनिट में, एक यूनिट किसको कहते हैं, किलोवाट घंटा
घंटा को ही बोलते हैं, ठीक है। तो 55 का ऑप्शन नंबर आपका डी क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट है, किलोवाट घंटा, ठीक है, किलो किलोग्राम वाट घंटा, ठीक है, या इसको हिंदी में लिखिए किलोवाट घंटा, यानी जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो क्या है, करेक्ट है, किसका, 55 नंबर क्वेश्चन का। किलोवाट घंटा को ही ऊर्जा का मात्रक कहते हैं, ठीक है, ऊर्जा का जो मात्रक होता है किलोवाट घंटा होता है। भाई साहब को समझ में आई। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अर्घ मात्रक है, अर्घ किसका मात्रक है, तो कार्य का, सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होता है, अर्घ होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 56 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कार्य का, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा किसका, 56 का, सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक अर्घ होता है, ठीक है। और देखिए आगे 57 नंबर क्वेश्चन क्या करे, इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है, जीवाश्म ईंधन नहीं है, क्या कोयला, पेट्रोलियम, बायोगैस, इनमें से कोई नहीं, तो जो बायोगैस है ये क्या है, जीवाश्म ईंधन नहीं है, ठीक है, क्या है, बायोगैस जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो 57 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, 58 नंबर, ये क्या कह रहा है सुन लीजिए, कह रहा है कि यदि किसी वस्तु पे एफ बल लगाने पर वह भी वेग से गतिमान हो जाती है तो उस पर लगने वाला शक्ति का मान होगा, शक्ति का मान होगा, तो बल, वेग और शक्ति के बीच हम लोगों ने रिलेशन स्थापित किया है थ्योरी में, इसके आप लोग जाके देख सकते हैं या कुछ न्यूमेरिकल्स में मैं बताया होगा, तो क्या होता है, P बराबर क्या होता है, F इंटू एस होता है, सॉरी F इंटू वी होता है, ठीक है, F इंटू क्या होता है, वी होता है, किसी वस्तु पे F न्यूटन का बल लगा रहे हैं और वी वेग से गति कर रही है तो उसमें कितनी शक्ति, मतलब उस पर कितना शक्ति लगेगा, इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं, P बराबर क्या होता है, F इंटू वी होता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 58 का F इंटू वी, P बराबर F इंटू वी कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 58 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा इस लेसन का अंतिम क्वेश्चन और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, और इसी के साथ ये लेसन समाप्त होता है। अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग लेसन नंबर 7 के साथ, उसको भी अभी तक नहीं पढ़े ना, तो उसको पढ़ लेंगे गुरुत्वाकर्षण को, और फिर हम लोग चलेंगे प्रकाश में, ठीक है। तो चलिए इसको नोट करिएगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन ऑन कर लेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे उसके नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।